पिछले कुछ दिनों में भारत के कई लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हुए हैं। इनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर विजय माल्या और कई चर्चित पत्रकार शामिल हैं। इन सारे अकाउंट्स को हैक करने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स ग्रुप लीजन ने ले ली है। लेकिन अब लीजन की नज़र प्राइवेट अकाउंट्स को छोड़कर सरकारी वेबसाइट sunset.nic.in पर है। ये साइट सरकारी कर्मचारियों को ईमेल सर्विसेज मुहैया करवाती है। एक एनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के जरिए वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में लीजन ने कहा, अगला निशाना sunset.nic.in होगी, जो कि काफी बड़ा निशाना है। इसमें कई बड़ी मछलियां हैं। इतना ही नहीं, लीजन ने ये भी दावा किया कि लीजन अपोलो हॉस्पिटल्स के सर्वर तक अपनी पहुंच बना चुका है। हालांकि लीजन ने ये भी कहा कि अभी उनके द्वारा ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इन आंकड़ों को जारी किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इससे भारत में हड़कंप मच सकता है। लीजन ने ये भी दावा किया कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम भी साइबर हमलों के निशाने पर है। कौन है लीजन? लीजन अमेरिका के लीजन ऑफ डूम से प्रेरित माना जा रहा है। अमेरिका में लीजन ऑफ डूम यानी LOD नाम से एक हैकर्स ग्रुप 1990 के दशक से 2000 के शुरुआती दशक तक सक्रिय था। LOD को टेक्नोलॉजी के इतिहास के सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैकिंग ग्रुप में से एक माना जाता है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि लीजन वास्तव में लीजन ऑफ डूम से प्रेरित है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली है और भारत समेत दुनिया में कहीं भी साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है। तो स्पष्ट है कि भारत पर बड़े साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस खतरे से निपटने के लिए भारत के साइबर एक्सपर्ट्स पूरी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि साइबर हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए चौकन्ना रहने की जरूरत है।